फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया ने ईरान से मुतालबा किया कि वो आलमी ताकतों के साथ 2015 के जौहरी मुआहिदे में किए गए वादों की मुकम्मल पासदारी करें। तीनों ममालिक ने मुश्तरका बयान में कहा कि ये जरूरी है कि ईरान मुआहदे के तहत अपने वादों की पूरी तामील करे। जुलाई 2019 के बाद से ईरान की जानिब से वादों की खिलाफ वर्जी पर गहरी तश्वीश है, ऐसे तमाम इकदाम खत्म होने चाहिए। ऐलानिया में कहा गया कि फ्रांस, जर्मनी और बरतानिया समेत यूरोपीय यूनियन में दीगर शराकत दारी बुनियादी मुश्तरका सलामती मफादात के हिस्सेदार हैं, जबकि खत्ते में ईरान की जानिब से गैर मुस्तहकम करने वाले इकदाम का सिफारतकारी और बामकसद तरीके से हल तलाश करना होगा, जिसमें तेहरान का मिसाइल प्रोग्राम भी है। ऐलानिया में कहा गया है कि हम इस बात पर जोर देते हैं कि खत्ते में तनाव में कमी और इस्तेहकाम के लिए इकदाम जारी रहें। 3 जनवरी को अमरीकी ड्रोन हमले में ईरान की कुछ फोर्स के सरबराह जनरल कासिम सुलेमानी हलाक हुए थे। इसके जवाब में ईरान ने इराक में अमरीकी फौजी अड्डों को निशाना बनाया और आलमी ताकतों के साथ 2015 में किए गए जौहरी मुआहदे से मुकम्मल तौर पर दस्तबरदारी का भी ऐलान किया था।